हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रस में रिएक्शन सपोज रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये अपना बीम, ये अपना ट्रस है। ये अपना प्रॉब्लम है, इस पे 20 किलो न्यूटन का जो अपना हॉरिजॉन्टल लोड लगा है, इस सेंटर में 70 किलो न्यूटन का जो लोड लगा है, इसके बाद इसका जो अपना हाइट है 3 मीटर है इतना, और इसके बाद ये इतना 3 मीटर और इतना 3 मीटर, जी अपना इतना 3 मीटर हो गया। चूँकि यहाँ पे लगा है अपना रोलर सपोर्ट, तो अपन रोलर सपोर्ट को ऐसे दर्शाते हैं। इधर अपना हिंज सपोर्ट लगा है, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ, चूँकि हिंज सपोर्ट अपना कितना देता है 2 रिएक्शन एंड रोलर सपोर्ट अपना कितना दे रहा है 1 रिएक्शन, तो अपना इधर कितना रिएक्शन निकलेगा 3 रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस कैसे बनेगा देखते हैं। ये बीम बनाते हैं अपन, इसी बीम को ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो अपना इधर से लोड लग रहा है कितना 20 किलो न्यूटन और इधर से 70 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 3 मीटर 3 मीटर, इधर ये अपना ये 3 मीटर इतना और ये 3 मीटर। इसके बाद माना कि ये R1 रिएक्शन, ये R2 रिएक्शन, और ये हिंसा पेड है तो इधर भी रिएक्शन आएगा R3। अब रिएक्शन निकालते हैं समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 समीशन ऑफ एपेक्स, तो कितना आएगा R1 + R2 इज इक्वल टू 70। जो ऊपर से अपना जो डाउनवर्ड आ रहा है तो अपवर्ड फोर्स, ये दोनों अपवर्ड है, तो R1 + R2 इज इक्वल टू 70। तो अपना ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मूवमेंट अबाउट एफ करके देखते हैं। मूवमेंट अबाउट एफ तो क्या आएगा, इधर से देखो ये अपना पॉइंट है, पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये 6 डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है R2, तो R2 कितना है अपना R2 × 6, जी कौन सा अपना एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से देखेंगे तो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फिर अपन यहाँ से 70 पे, तो जी अपना क्या है जी क्लॉकवाइज बन रहा है कितनी डिस्टेंस पे 3 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो गया -3 × 70। इसी प्रकार अपना ये ओरिजेंटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 20 × कितनी डिस्टेंस पे 3, तो -20 × 3 इज इक्वल टू 0, तो 6 R2 इज इक्वल टू ये 210 हो जाएगा +60, तो R2 कितना आएगा 270 / 6, तो अपना कितना आया R2 इज इक्वल टू
45। अब इसका वैल्यू अपन समीशन एक में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर टू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपना ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो आर वन प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू 70, आर वन इज इक्वल टू 70 माइनस 45, आर वन इज इक्वल टू 25। तो इस प्रकार से अपना ये आर वन हो गया, अब आर टू हो गया। अब निकालते हैं आर थ्री, तो इधर देखते हैं आर थ्री अपना इधर मतलब इस पॉइंट पे आते हुए रहा है, तो आर थ्री हुआ फिर पॉजिटिव प्लस ए भी आ रहा है इसी पॉइंट पर, तो 20 इज इक्वल टू 0, आर थ्री इज इक्वल टू माइनस 20। यही अपना इधर क्या वैल्यू बनेगा, आर वन इज इक्वल टू 25 और आर टू इज इक्वल टू 45 एंड आर थ्री इज इक्वल टू माइनस 20।